स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सर्फेस एरिया इज, अच्छा उनके सर्फेस एरिया का रेशियो क्या होगा? देखिए टू स्पेयर है, एक का रेडियस हम लोग कैपिटल आर लेते हैं और एक का स्मॉल आर लेते हैं, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4/3 pi r³ और बाई में 4/3 pi r³ इक्वल टू में 64/27, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस का होल क्यूब इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4/3 का होल क्यूब, तो रेडियस का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया 4 pi r² होता है, ठीक है ना जी, तो 4 pi से 4 pi कैंसिल, रेडियस बाई रेडियस का होल स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 16/9, आ जाएगा 16:9, डी नंबर हो जाएगा, समझ गए। तो एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।